हेलो गाइज, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। गाइज आज का ब्लॉग सुबह के 6:30 बजे स्टार्ट हो रहा है फिलहाल अभी, और अभी हम इधर टहलने आए। देख सकते हो सर रोडों पे कैसा माहौल है यहाँ का, भी कैसा एक बार देखिए कैसा भी यहाँ का। और अभी सुबह सुबह ठंडी ठंडी हवा चल रही है तो बहुत अच्छा लग रहा है इस समय का मौसम, और ठंडी ठंडी हवा के साथ हम यहाँ पर टहल रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है सुबह सुबह फिलहाल अभी। और भी मैं आपको यहाँ से एक बार पूरा व्यू दिखाता हूँ, सुबह सुबह का टाइम कितना अच्छा और कितना सुहाना दिख रहा होगा आपको, ये ब्लॉग कितना अच्छा लग रहा है, ये जो आपको दिख रहा है वीडियो सामने कितना अच्छा लग रहा है। और इधर कितना यहाँ पे सूर्य भी निकला है, कुछ देर हुआ भी फिलहाल, और यहाँ पे पेड़ लगा हुआ है आम का, इसमें थोड़े बहुत आम लगे हुए हैं मतलब ऐसे फिलहाल तो। और यहाँ पे हमारे बैठे हुए हैं मानिश जी, हमारे फोन जी, जो कि अभी सुबह भाई भी मॉर्निंग वॉक पे आए थे। क्यों भाई जी आए थे आपको? अच्छा यहाँ का माहौल कैसा लग रहा है गांव का? अच्छा लग, गांव से आए थे सर मैदान के लिए घूमने टहलने के लिए, तो यहाँ पर बैठ कर थोड़ी सी एंजॉय ले रहे हैं, हवा चल रही है बड़ी अच्छी अच्छी पुरवैया। अच्छा इस हवा को पुरवैया बोलते हैं? हाँ इस हवा को पुरवैया बोल रहे हैं, और बहुत अच्छा लग रहा है इसलिए हम इतना अच्छा लगा कि हम यहाँ पर बैठ गए और हवा लेने लगे। हाँ इतना अच्छा लग रहा है, सुहाना मौसम लग रहा है, अत प्रीजेंट टेस्ट है। और यहाँ पे देखिए ये छोटा सा आम लगा हुआ है, अभी ये बहुत कम उम्र का है, ये इसमें बड़े बड़े होगा, ये 2-3 साल का होगा, और इसमें देखिए कितने बड़े बड़े आम लगे हुए हैं। इधर दिखाइए, इधर दिखाइए, इधर देखिए, इधर इस तरीके से इसको घेरे हुए हैं, जो किराना का सामान लगा हुआ है, अच्छा भैया जी हमें बताइए कि आपको यहाँ पे दुकान में शादी ब्याह होता है तो उस पर आप बफर खाने जाते हो तो आपको कैसा महसूस होता है? ऐसा है बहुत अच्छा लगता है बफर खाने में, अच्छा लगता है पर टेबल वाला अच्छा लगता है, बफर खाने में भी और टेबल वाला भी अच्छा लगता है। अच्छा अच्छा होता है कि आपको उस बफर वाले सिस्टम में ऐसा होता है जैसे पहले शहरों में होता था, और यहाँ पे जो देहात वगैरह है ये यहाँ पर लोग टेबल पर पहले ज़मीन पर खिलाते थे। हाँ ज़मीन पर खिलाते थे और कच्चा खाना खिलाते थे, जैसे कि चावल दाल है औरत का। हाँ। और वो सादी रोटी है। हाँ। ये चीज़ पहले खिलाते थे, लेकिन अब ये शहर वाला सिस्टम आ गया हमारे गांव में भी, हमको तो इंजॉय होता है खाने में, ये बात अच्छा। नहीं है जो ये बफर सिस्टम होता है। हाँ। इसमें हम लोगों को है इंजॉय होता है, लेकिन जो बूढ़ बुजुर्ग वगैरह लोग हैं। हाँ हाँ। उनको इंजॉय नहीं होता है। सही कहा भैया ने, वो जो पानी मिलता है जा कर के 10 कदम पे, और खाना जो पहले खाते थे वो बैठ करके, तो उनको पानी भी मिलता था वहीं पर, खाना भी मिलता था, सब कुछ मिलता। अब उनको अगर सब्जी की ज़रूरत है तो खड़े खड़े खा रहे हैं, तो जा कर के वहाँ पर लेना पड़ेगा अपने। हाँ। आप तब खाएंगे, इसलिए उनको थोड़ा सा कष्ट होता है। और जो ये परिवर्तन हो गया है नया नया। हाँ। इस परिवर्तन के वजह से हम लोगों को ज़्यादा इंटरेस्ट है। अच्छा। और जो बूढ़ बुजुर्ग वगैरह हैं उनको इसमें टेस्ट वगैरह नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है। मैं विराम करता हूँ, आप लोगों को जो अच्छा लगा होगा तो आप लोग लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। मैंने भी कहा कि अगर हम यहाँ गांव में किसान नहीं करेंगे तो शहर वाले जो भूखे मर जाएंगे, वाकई में शहर वाले भूखे मर जाएंगे। उनके पास खेती नहीं है ना, उनके पास खेती नहीं है, और बिजनेस है, बिजनेस से क्या वो अपना वो जो बिजनेस कर रहे हैं उस बिजनेस से क्या वो धान गेहूँ पैदा करेंगे, क्या वो बिजनेस खा लेंगे, क्या नहीं कर पाएंगे। अगर वो वहाँ पे बिस्किट नमकीन खाएंगे तो बिस्किट नमकीन भी हमारे जो अन्न से ही बनता है, हमारे अन्न से ही बनता है। जितने प्रोडक्ट है सब कुछ हमारे जिससे बनते हैं, और अगर हम किसानी नहीं करेंगे तो शहर वाले पक्का ही भूखा मर जाएंगे। बिल्कुल सच है कि हम लोग अगर किसानी नहीं करेंगे तो वो भूखा मर जाएंगे। देखिए इस समय जो सीजन चल रहा है, इस समय हम लोग धान की बुवाई करते हैं, यहाँ पे है नहीं इस। अच्छा भैया जी, अच्छा भैया जी बताइए कि इस समय अभी कौन सा महीना लग रहा है, कौन सा महीना चल रहा है, इसको हम अपने देहाती भाषा में कौन सा महीना बोलते हैं, और इसमें फिलहाल अभी क्या हो रहा है? ये जून चल रहा है। अच्छा इसको देहाती भाषा में क्या बोलते हैं? इस जून को कहते हैं, ये हिंदी में है, और इसको क्या जेठ कहते हैं, ठीक है, इसको जेठ कहते हैं। और ये जून जो महीना है मासिक चल रहा है, ये जून महीना है। इस जून में हम लोग पहली जून
अगर बैठ क्या ना धान बोना है तो हम लोग एक बिसुआ जिसको 20 बिसुआ के अनुसार के हिसाब से हम लोग एक बिसुआ धान बोते हैं और उस एक बिसुए से हम लोग एक बीघा का अगर क्या ना धान पैदा करते हैं खेत जो सब भरे हुए हैं इसमें धान लगेंगे इसमें सब धान ही लगेंगे ये लाल भी एक एक आध महीने में सारा धान लग जाएगा ना ये सब अभी जून चल रहा है आखिरी जुलाई तक यहाँ पे आप पूरा हरा भरा हम आप लोग से दिखाएंगे मतलब यहाँ पे पूरा धान ही धान हो जाएगा सारे खेतों में जितनी ये सब इतनी खेती पड़ी यहाँ पे जो खुली खेत पड़ी यहाँ पे कुछ नहीं खेतों में फिलहाल अभी खेती इस समय केवल जुताई हुई ना हाँ इस समय खाली जुताई चल रही है केवल बस ऑडियंस को बताइए हमारे कि अगर धान जब बोते हैं तो पहले उसकी क्या क्या प्रक्रिया होती है और धान कैसे बोते हैं पहले जैसे कि मार्केट से धान लाओगे उसके बाद क्या क्या करोगे हम लोग धान लेकर आएंगे उसको बाद हम लोग खेत में उसको बीज के अनुसार डालेंगे ठीक है उसके फुलाते होंगे ना दो तीन दिन हाँ उसको रखवा होता होगा उसमें हाँ उसको दो तीन दिन फुलाएंगे उसके बाद फुलाने के बाद में उसको फिर ऊपर निकाल लेंगे पानी से पानी से निकाल करके फिर उसको ले जा करके हम लोग खेत में पानी फिर भरेंगे खेतों में पानी भरेंगे उसके बाद पानी भरने के बाद में उसको बैल से या ट्रैक्टर वगैरह से उसको हम लोग जो हमारे यहाँ पे देहात वगैरह में उसको सरावन कहते हैं सरावन के नाम से मशहूर है उसको फिर हम लोग उसी सरावन के द्वारा उसको हम लोग मयाने के बोलते तो यहाँ पे मयाना बोलते हैं भाई देहात वगैरह जैसा हम लोग करते हैं जैसे कि खेतों में उसको चला देंगे हाँ खेत में उसको सरावन को चला देंगे उसके बाद फिर एक घंटे के बाद या दो घंटे के बाद उस धान को हम लोग उसमें डाल देंगे ऐसे ऊपर ही हाँ ऐसे ही डाल देंगे उसमें उसके बाद डालने के बाद में हम लोगों को फिर दो पाँच दिन के बाद फिर हफ्ते भर के बाद उसमें पानी लगाना रहता है पानी देते रहते हैं और वो जो उसके अंकुर हैं वो अंकुर धीरे धीरे बड़े होते चलते रहते हैं फिर जब वो हो जाएगा अच्छा फिलहाल वो धान कितने दिन मतलब लगाने के योग्य हो जाएगा अरे वो कम से कम एक महीने के बाद धान लगाने के योग्य हो जाएगा हाँ वो जैसे अभी हम पहली जून को बोए हैं ठीक उस अंकुर का ना बीज को बो दिए अब उसमें अंकुर धीरे धीरे बढ़ेंगे जब मतलब धान जैसे कि जब बढ़ेंगे तो मतलब कितने बड़े होने पे उसको खेत में गाड़ते हो कम से कम हो जाएगा जब वो एक फिट का जैसे मैंने कहा एक फिट का जब हो जाएगा तो उसको हम खेत में गाड़ देंगे है ना हाँ एक महीने के बाद वो एक फिट का हो जाएगा जब एक फिट का होगा तो हम लोग तो गाइस देखिए यहाँ पे किसानी हो रही है यहाँ पे हमारे अंकल जी जो कि किसानी कर रहे हैं यहाँ पे उनको भी लीजिए देखिए आए दोनों भी यहाँ पे दोनों लोग किसानी कर रहे हैं तो अंकल जी बोलिए कुछ रिकमेंडेड हमारे चाचा जी हैं ये बना रहे हैं इस तरीके से अच्छे जो बड़ी बड़ी घासे हैं और क्या नाम है जो ये कूड़ा करकट है इसको साफ कर रहे हैं तो आप इनसे थोड़ा सा ब्लॉक्स में पूछ लीजिए कि ये क्या करना चाहते हैं अच्छा अंकल जी इसमें आप क्या करोगे जो खेत को आप सफाई कर रहे हो इसमें कुछ करने वाले हो क्या खेत में हाँ धान के बीज लगाएंगे अच्छा इसमें धान की बीज लगाओगे भी फिलहाल उसके बाद इसमें धान की बुवाई करने के बाद धान लगाना भी इसमें है अच्छा ऐसे लगाने का मतलब इसके क्या क्या प्रोसेस होगा बताइए क्योंकि पहले धान को बो करोगे रोपाई करोगे उसके बाद धान को लगाने से पूरा प्रोसेस बताइए पब्लिक को जो कि ऑडियंस है हमारी वो आप जानना चाहती है कि धान की रोपाई कैसे होती है अरे उसको उठा के लगाया जाएगा कटे किया जाएगा अच्छा और देखिए कहने का मतलब आप ऐसे ही लगा देंगे इसमें ला करके धान को नहीं नहीं पहले बुला बोया जाएगा अच्छा उसके बाद फिर रोपाई होगी तब फिर अच्छा जैसे कि धान पहले बो दोगे तो उसके कितने दिन बाद धान मतलब लगाने के योग्य हो जाएगा 21 दिन के बाद धान लगाने के योग्य हो जाएगा और इस खेत में धान की जो धान लगेगा वो भी आपको हम दिखाएंगे तो ब्लॉग को फिलहाल अभी यहीं पे एंड करते हैं और यहाँ पे भैया जी खड़े हुए हैं तो आप कुछ ना पूछने जाओगे और देखिए ये जो हमारे चाचा जी हैं कितनी कठिनाइयों से इसमें धान को पैदा करेंगे पहले इसमें जो छोटे छोटे कड़ हैं तिनके हैं सब इसको आप साफ कर लेंगे निकाल लेंगे उसके बाद फिर इसमें धान की रोपाई करेंगे
और गाय जी जो एक किसान का दर्द है वो किसान ही समझ सकता है और कोई नहीं समझ सकता क्यों भाई। किसान का दर्द है जो किसान अगर उसको एक धान पैदा करना है हाँ देखिए कितने मेहनत से वो धान पैदा होता है, उसके बाद शहर में जाकर के लोग शहर में खाते हैं, उसमें कम से कम 3 क्विंटल धान हो गया है, 3 क्विंटल धान खा लेंगे नहीं खा पाएंगे, 1 क्विंटल रखें 2 क्विंटल बेच लेंगे और वही धान जा कर के शहर में अच्छे अच्छे से लोग भी तो देखिए कि एक किसान कड़क धूप में कितनी ज़्यादा मेहनत करते हैं कि किसान ये बयां कर सकता है ना। और देखिए इन्हीं के खेत में थोड़ा सा पेड़ लगा यहाँ पे और एक वहाँ पौधा लगा, इस पौधे को आप नहीं जानते होंगे, इस पौधे का नाम ताड़ के नाम से मौजूद है, मशहूर है ना गाँव में, इसको ताड़ बोलते हैं लोग। और देख सकते हो गाँव में कैसे लोग किसानी कर रहे हैं, तो इसी के लोग को करते हैं।